Come in. तुम मरवाओगी मुझे। कम से कम आज तो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। कैसी बात? तुम्हें याद है साद, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें कितना अफसोस होता है कि इस हवेली की रवायतें मर्दों के लिए चाहे जितनी मर्जी कमजोर पर औरतों के लिए वैसी की वैसी हैं। ये सच है। और याद है मैंने क्या कहा था कि अगर इन हालात को बदलना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मुझे कल ही ये बात शिद्दत से याद आ रही थी। तो बस फिर सोचने समझने का टाइम गया, अब हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। मसलन क्या? सिंपल, मैं तुम्हारी फूफो की शादी अपने डैड से कराना चाहती हूँ। तानिया, are you serious? 100%। डैड यहाँ से मेरी शादी के बाद अकेले नहीं जाएंगे। तुम हवेली में कोई नहीं मानेगा। ये सब कैसे होगा? ये सब तो बात की बात है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उन्हें अपनी माँ की जगह दे सकोगी? होश संभालने के बाद तुमने अपने वालिद को सिर्फ अपना देखा है, उन्हें शेयर कर सकोगी किसी के साथ? ऑफ कोर्स साद, मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं कि मैं जिससे मोहब्बत करूं उसे अपनी मुट्ठी में कैद करके रखूं। मोहब्बत तो खुशी देने का नाम है, अपना बना के रखने का नहीं। मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम नहीं है साद। बारह सो जाओ, जो किसी को एक दफा छू ले तो सोना कर देती। और अगर डैड को माँ पारा से ही खुशी मिलती है तो मैं शहर तो क्या उन्हें पूरा का पूरा किसी को भी सौंप सकती हूँ। अपने दिल से मोहब्बत का ख्याल निकाल के कुंदन हो जाओ। तुमने मेरी एक उलझन तो दूर की।